उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से राजनीति का केंद्र बने सारस की ये तस्वीरें कानपुर के प्राणी उद्यान से सामने आई हैं। कानपुर के प्राणी उद्यान के एक पिंजरे में बंद सारस, उसके सामने खड़े यहाँ के स्थानीय विधायक अमिताभ वाजपेयी और उनके साथ खड़े आरिफ की ये तस्वीरें मंगलवार को दोपहर सामने आई हैं। आरिफ वही शख्स हैं जिन्होंने इस सारस की अमेठी जिले की जामो तहसील में जान बचाई थी। बीते दिनों आरिफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें ये सारस उनकी बाइक के पीछे उड़ता हुआ नजर आया था। इसके बाद वन विभाग ने इस सारस को अपने कब्जे में लिया और तब से ये कानपुर के जू में इसी तरह से बंद है। इस सारस को आजाद करने के लिए तमाम बार अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट्स के जरिए सरकार के सामने मांग रखी। एक दिन पहले भी उन्होंने ये कहा था कि इस सारस को आजाद किया जाना चाहिए, इसके लिए ट्वीट किया, जिसके बाद आरिफ अगले दिन कानपुर के जू में इस सारस से मिलने पहुंचे। लेकिन ये तस्वीर भावुक करने वाली है क्योंकि सारस ने जिस अंदाज में अपनी जान बचाने वाले आरिफ का स्वागत किया वो देखने लायक था। भावुक दिख रहे आरिफ और उनके सामने पिंजरे के अंदर बंद उछलता हुआ सारस। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें सामने आई तो तमाम लोगों ने ये कहा कि जिस शख्स ने इस सारस की जान बचाई उसे ही सौंप देना चाहिए। सारस को बीते दिनों रिहा करने की तमाम मांग सोशल मीडिया पर उठती रही है। अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि आरिफ ने सारस की जान बचाई थी, लेकिन सारस जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है उसको संरक्षित करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का एक मुकदमा आरिफ के खिलाफ ही दर्ज किया गया। ये कहा गया कि सारस को घर में पालना अवैध है, आरिफ ने ऐसा किया है इसलिए उस पर मुकदमा किया गया है। लेकिन आरिफ ने कहा कि ये सारस उन्हें खेत में मिला था, उन्होंने उसकी जान बचाई। इसी तरह सुल्तानपुर में भी अफरोज नाम के एक शख्स से सारस वापस लिया गया था। लेकिन आरिफ का सारस उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। कानपुर में आरिफ के साथ अमिताभ वाजपेयी का सारस से मिलने जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। आज सारस के दोस्त आरिफ की मुलाकात सारस से चिड़ियाघर के अस्पताल में जो अस्पताल के नियम थे उनके अनुरूप कराई गई। निश्चित रूप से जो पक्षी की मोहब्बत इंसान के प्रति थी उसको देख करके कोई भी इंसान जिसके मन में प्रेम होगा वो भाव विवल हो जाएगा। हम लोगों की भी आंखें छलक आई जिस प्रकार से उस पक्षी ने आरिफ को देखते ही अपनी गर्दन को हिलाना, चोंच को निकालना, पंख फड़फड़ाना शुरू किया। निश्चित रूप से जो लोग नफरत के वाहक हैं, जो आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनको सबक देना चाहिए। जब पक्षी के मन में इंसान के प्रति इतना प्रेम है तो इंसान के प्रति इंसान के मन में क्यों ना प्रेम हो, इस पर हम सब लोगों को चिंतन करना होगा। आरिफ भाई को उनकी साहसपूर्ण दोस्ती के लिए सलाम। लेकिन कानपुर के जू से आई ये तस्वीरें ये बताती हैं कि सारस आरिफ के साथ कितना खुश था। उसने जिस अंदाज में आरिफ का स्वागत किया वो ये बताता है कि पक्षियों के बेजुबान होने के बावजूद भावनाओं के शब्द बहुत बड़े होते हैं। आरिफ की तस्वीर एक दिन पहले अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए जो शायरी लिखी थी वो भी पढ़ने लायक है। अखिलेश ने कहा था कि इस सारस को रिहा किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इसकी मांग भी रखी, लेकिन नियम तो नियम है, संविधान से ऊपर कोई नहीं। नियम ये है कि सारस को अपने घर में पालना अपराध है। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने आरिफ के खिलाफ एक केस दर्ज किया था। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी या कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि आरिफ और सारस की दोस्ती फिलहाल पिंजरों की इन सीमाओं में कैद जरूर है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।